ये मेन रोड है जो कि कानपुर मेन रोड है, कानपुर रोड, और ये जस्ट लगी हुई साइड है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या कहाँ पे है हम लोग, क्या लोकेशन है इसकी, क्या एग्जैक्ट है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 4 किलोमीटर, मेट्रो की दूरी मात्र 4 किलोमीटर, ठीक है। स्कूटर इंडिया चौराहा आपका 2 किलोमीटर, आउटर रिंग रोड जो है हमारा वो 250 से 300 मीटर पे है। जी दूसरी चीज, यहाँ पे आउटर रिंग रोड के अगल बगल क्लोवर लीफ जंक्शन के नाम से एशिया का सबसे बड़ा चौराहा बन रहा है, जो कि चारों तरफ से, जैसे ही ये चौराहा बन के स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ जमीनों के रेट जो है जो अभी आपको काफी अच्छे मतलब इंक्रीमेंट पे मिलेगी। दोस्तों आज हम लोग आपको लेके आए हैं एक ऐसी साइट पे जो कि बिल्कुल मेन रोड से लगी हुई है। जो लोग अमौसी एयरपोर्ट के नज़दीक में अपने लिए प्लॉट सर्च कर रहे हैं उनके लिए आज वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं आप देखेंगे मेन रोड, ये मेन रोड है जो कि कानपुर मेन रोड है, कानपुर रोड, और ये जस्ट लगी हुई साइड है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या कहाँ पे है हम लोग, क्या लोकेशन है इसकी, क्या एग्जैक्ट है, क्या क्या आपको डिटेल्स इसमें, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हमारे साथ जागृत जी हैं, जैसा कि आप लोग कई सारी इनकी साइटें देख चुके हैं हमारे चैनल पे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे हमारे। हमारे जो व्यूवर्स हैं आपको पहले भी देखते रहते हैं और अभी आप नई साइट अपनी लेके आए हैं। सबसे पहले बताइए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ की। भैया एग्जैक्ट लोकेशन हमारी एकदम कानपुर रोड से लगी हुई है, स्कूटर इंडिया से 200 मीटर आगे, रिंग रोड से 200 मीटर पहले। जी ये रिंग रोड और स्कूटर इंडिया के बीचों बीच में साइड होने वाली है हमारी, जो कि सरोजिनी नगर क्षेत्र की सबसे प्राइम लोकेशन की अब तक की साइड होने वाली है ये। दोस्तों आप देखेंगे मेन एंट्रेंस ये है और हम लोग आपको अंदर लेके चलते हैं, क्या डिटेल्स है सारी चीजें आपको हम लोग अभी वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत खास होगी। दोस्तों जैसा कि अभी आपसे बताया था कि हम लोग साइट पे अंदर चल के आपको सारी चीजें बताएंगे, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको सारी चीजें समझाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आपको लोकेशन बता दी कि कहाँ पे साइट रहने वाली है, मेन रोड से जस्ट लगी हुई। हम लोग साइट के अंदर की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि आप ये मेन रोड जो देख रहे हैं ये कितने फीट की होने वाली है। ये 30 फीट का आपका डामर रोड होने वाला है। ये 30 फीट रोड आपको डामर करके मिलेगी। जी ठीक है, इसमें सीवर भी रहेगा। जी अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। तो जस्ट बैक साइड पे देखेंगे तो आपको ये आउटर दिख रहा है यहाँ से ना। जी आउटर रिंग रोड किसान पर ये देखेंगे तो आप लोग गाड़ियां जा रही जैसे, ये आउटर रिंग रोड है, मेन आउटर रिंग रोड। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना दूरी होगा भैया, यहाँ से बहुत ज्यादा होगा तो 200 मीटर 300 मीटर दूरी आप देख रहे हैं वीडियो में साफ क्लियर नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने अपने प्लॉट लिए हुए हैं, लोगों ने अपना काम स्टार्ट है, लोगों का साइट पे काम चल रहा है। कॉर्नर प्लॉट अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा कॉर्नर अभी भी है, लोगों की फर्स्ट चॉइस कॉर्नर होती है, और क्योंकि साइट बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, तो जैसे मतलब अगर आप लोग जल्दी आएंगे तो आपको कॉर्नर मिलने के भी चांसेस हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें साइट पे आपको अभी करके मिल रही हैं, क्या क्या चीजें अभी साइट पे करके भैया आप इधर दिखा सकते हैं। सीवर का काम हमारी साइट पे हो रहा है, सीवर का काम चालू है। इसके बाद जस्ट महीने भर के अंदर हम आपको RCC रोड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि 30 फीट की मेन रोड से आ रही है और 25 फीट की अंदर इंटीरियर जितनी भी रोड है सब 25 फीट की है। मेन रोड 30 फीट की, बाकी सारी लिंक रोड जो है वो 25 फीट की है। मेन रोड दोस्तों अगर हम लोग बात करें 30 फीट की होने वाली है, लिंक रोड जो भी है वो 25 फीट की है। आप देखेंगे सीवर का काम स्टार्ट हो चुका है, आपको रोड यहाँ पे पढ़ के मिलेगी जैसा कि भैया ने आपको भी बताया हुआ है। मेन आप देखेंगे तो आउटर रिंग रोड आपको सामने नजर आ रहा है, मेन रोड से जस्ट लगी हुई साइड है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे दोस्तों ये साइड होने वाली है। यहाँ पे अभी आपके पास मौका है अपना मन चाहा प्लॉट लेने का, मतलब मन चाहा से अगर बात करें तो कॉर्नर भी अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जो लोग चाहते हैं, जो लोग अभी अमौसी एयरपोर्ट के नज़दीक ज़मीन देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्यों अगर थोड़ा सा बताइए कानपुर रोड के बारे में, लोगों को बताइए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या क्या प्लानिंग्स आ रही हैं। भैया देखिए ये जो हमारी साइड है ये काफ़ी ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 4 किलोमीटर, मेट्रो की दूरी मात्र 4 किलोमीटर, स्कूटर इंडिया चौराहा आपका 2 किलोमीटर, आउटर रिंग रोड जो है हमारा वो 250 से 300 मीटर पे है। जी दूसरी चीज, यहाँ पे आउटर रिंग रोड के अगल बगल क्लोवर लीफ जंक्शन के नाम से एशिया का सबसे बड़ा चौराहा बन रहा है, जो कि चारों तरफ से, जैसे ही ये चौराहा बन के स्टार्ट होगा
वैसे ही यहाँ जमीनों के रेट जो है जो अभी आपको काफी अच्छे मतलब इंक्रीमेंट पे मिलेगी, जो अभी आप ले रहे हैं हमसे जितने जिस भी रेट पे उससे आपको बढ़ के रेट यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों कानपुर रोड के बारे में अगर हम लोग बात करें, काफी यहाँ पे देखेंगे काफी एक्टिव रोड है, काफी चलती हुई रोड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रमाडा की बात करें, कितनी दूर पे होगा फाइव स्टार रमाडा भैया हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। और दोस्तों आउटर की हम लोग बात करें, जैसा आप लोग देख सकते हैं लगभग आउटर की खासियत आपको बताया, आप कहीं भी कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही इजी रहता है ना जी, आप किसी भी रोड से आना चाहें, किसी भी रोड से आप आना चाहते हैं तो आप आउटर का आउटर से इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके आइए, काफी सुविधाजनक और जल्दी जो है आपका जल्दी आप आ सकते हैं और आपके ट्रैफिक वगैरह इन सब चीजों से आपको बच सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि नियर बाई आपको कॉलेजेस आपको कौन कौन से अच्छे मिल रहे हैं, कॉलेजेस के बारे में बताइए थोड़ा सा यहाँ पे, जो लोग अगर तुरंत रहना चाहें तो उनके लिए। कॉलेज में भैया बगल में बिजनौर रोड लिंक है, जैसे कि हमारी पहली भी साइट आपने आपकी मतलब चैनल वीडियो बनी हुई है, बिल्कुल गौतम अरकुल भुनवाल और मेन कानपुर रोड पे आप जैसे अवध कॉलेजेट ग्रीन बेरी स्कूल, दूसरी चीज सैनिक स्कूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए सबसे बढ़िया है सैनिक स्कूल, ये सारे स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे अगल बगल हैं। जैसा कि मैंने बताया मेन रोड से जस्ट लगी हुई साइड है, यहाँ तक के मतलब 24 घंटे यहाँ से 24 आवर्स रनिंग के अंदर 24 आवर्स वगैरह आप कभी भी रात में आएंगे। सबसे अच्छी बात है तो ये मेट्रो है जी, मेट्रो 4 किलोमीटर पे है, 4 किलोमीटर पे दोस्तों आपको मेट्रो। कौन सा नियर स्टेशन है भैया? अमौसी मेट्रो स्टेशन है सबसे नियर स्टेशन है। बाकी स्कूटर इंडिया कंपनी की मैं आपको बता दूं, स्कूटर इंडिया कंपनी जो है जी अब यहाँ पे आईटी हब बन रहा है जो हमारी साइड से मात्र 400 मीटर 500 मीटर पे है, यहाँ पे आईटी हब बन रहा है। यहाँ पे अभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक का काम शुरू हो गया, तो अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई है। अच्छा। ऐसे ही पता नहीं कितने अनगिनत जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसकी वजह से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जी, जिसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे यहाँ पर। और क्योंकि कानपुर रोड पे हाईवे वाला ये काम चल रहा है जी 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 जी, ये जो है एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, अभी 1.5 घंटा हम लोग को कानपुर आने जाने में लगता है, 45 मिनट में हमारा सफर तय हो सकता है। अच्छा, विजिट के लिए बताइए जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए विजिट कैसे? विजिट भैया हमारे यहाँ सुबह आप 9 बजे से शाम के 6 बजे तक विजिट के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधाजनक हमारे ऑफिस आ सकते हैं या मेट्रो आप आ जाइए तो हम लोग आपको मेट्रो से पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं साइट बहुत ही बेहतरीन है, आप देखेंगे लोकेशन के मामले में हर एक मामले में साइट बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट से लगी हुई कोई साइड मिल जाए, मेन रोड से लगी हुई मिल जाए, मतलब लोग काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी अंदर है साइड, काफ़ी आगे जाके है, ये साइड जो ऐसी है कि मेन रोड से जस्ट लगी हुई साइड है, तभी इसका रेट ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें चैनल के माध्यम से आप आएंगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट देंगे, है ना? बिल्कुल, और जो भी हो सकेगा आपको ऑफर्स भी देंगे जी जी। नवरात्रि ऑफर अभी हमारे पास चल रहा है जो हमारे पास है अभी, और तो लोग कॉल करेंगे जी जी, जी उनको मैं बता दूंगा। बाकी धनतेरस में भी ऑफर है हमारा, दिवाली ऑफर भी बम्पर ऑफर है, उसके लिए भी बात हो जाएगी। जल्द से जल्द आए, अपनी विजिट कंफर्म करें, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, इनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, इनसे मीटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसी तरीके की प्रॉपर्टीज की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।